उर्दू के ताल्लुक से कहीं ना कहीं कभी ना कभी आवाजें उठती हैं उर्दू को मिटाने के लिए, उर्दू को खत्म करने के लिए। ये गलत फहमियां है कि उर्दू जुबान मुसलमानों की जुबान है। ये गलत फहमियां है कि मुसलमान उर्दू वाले हैं या उर्दू मुसलमानों वाली है, ऐसा नहीं है। उर्दू हर शख्स की जुबान है जो उसे बढ़कर अपने सीने से लगा ले, अपने दिल से लगा ले। शायर कहता है कि उर्दू को मिटा देंगे हम एक रोज जहां से, उर्दू को मिटा देंगे हम एक रोज जहां से, कमबख्त ने ये बात भी उर्दू में कही है। तो उर्दू किसी के मिटाने से मिटती नहीं है जब तक जलाल सिद्दीकी साहब जैसे लोग मौजूद हैं, जब तक सैयद सलाहुद्दीन साहब जैसे लोग मौजूद हैं, जब तक भोलेपुर जैसे आप जैसे खूबसूरत सामाईन मौजूद है, तो उर्दू खूब खूब फलेगी फूलेगी, उर्दू मजीद बढ़ती रहेगी। उर्दू किसी के मिटाने से मिटती नहीं है और जुबान कौम की पहचान हुआ करती है, जुबान तहजीब की पहचान हुआ करती है, जुबान कभी खत्म नहीं हुआ करती। आइए गजल के दौर का आगाज करते हैं कि पर भी होगी महल की जुबान में, फुटपाथ पर भी होगी महल की जुबान में, हम गुफ्तगू करेंगे गजल की जुबान में। लेकिन ये गजल की जुबान में गुफ्तगू करना इतना आसान नहीं हुआ करता है। शायर कहता है कि गजलें कहना खेल कहाँ है पूछो इन फनकारों से, गजलें कहना खेल कहाँ है पूछो पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। गजलें कहना खेल कहाँ है पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। बावजूद इसके हम गजल की जुबान में गुफ्तगू समाज फरमाएंगे, शुराए किराम के ख्यालात को हम बज़ुबान गजल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरी फहरिस्त में एक बहुत अच्छा शायर मौजूद है जिसे सुनने के बाद आप उसे दुआओं से और मोहब्बतों से नवाजेंगे। यकीनन इस ये वो मुकाम नहीं कि मैं गजल के पहले शायर के तौर पर उस शायर को पेश करूं, लेकिन गजल की नुमाइंदगी करने के लिए यकीनन उसे ही पेश किया जाएगा जो मोतबर हो। इस वक्त मैं जनाब मजहर जमालपुरी साहब को इन खूबसूरत अशार के जरिए दावत कलाम दे रहा हूँ कि रोज शब यूं नाज़ियत में गुजारे होते, चैन आ जाता अगर खेल के हारे होते। मैं चाहता हूं कि यहां से आप लोग जुड़ जाए कि रोज़ो शब यूं नाज़ियत में गुजारे होते, चैन आ जाता अगर खेल के हारे होते, खुद से फुर्सत ही मुयस्सर नहीं आई वरना हम किसी और के होते तो तुम्हारे होते। पुरजोर ताली में इस्तकबाल कीजिए गजल का पहला शायर जनाब मजहर जमालपुरी जो कि जलालपुर से तशरीफ लाए हैं, पुरजोर ताली में इस्तकबाल करें। हजरात आज इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं मोहतरम नज़ीर अहमद साहब जो आप ही के दियार के हैं, आप ही के गांव के हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी सैयद सलाहुद्दीन साहब तशरीफ ले आए जिनका ताल्लुक दुबई से है, ये सबसे खुशी की बात है। अब आइए हजरात, ये जलाल सिद्दीकी साहब ने बहुत मेहनत करके मशक्कत करके इस मुशायरे को सजाया रचाया बताया है, तो इनके लिए एक जोरदार तालियां आप पेश कर दें। मैं फिर शेर हाजिर करता हूं। मुलादा गले मतलब दो तीन शेर पेश करता हूं। प्यार का मेयार होना चाहिए, सुनिएगा दोस्तों, इसी मोहब्बत से सुन लेंगे तो मेरा भी हौसला बरकरार रहेगा। जी अता करें। प्यार का मेयार होना चाहिए, प्यार का मेयार होना चाहिए, प्यार का मेयार होना चाहिए, प्यार में बस प्यार होना
चाय। क्या खूबसूरत मतलब है, वाह 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 वाह, क्या बात है दोस्तों। जरा यही से तालियां बजा कर आप जुड़ जाए, भरपूर तरीके से जुड़ जाए, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत। प्यार में बस प्यार होना चाहिए, वाह 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 वाह, कामयाबी बढ़ के चूमेगी कदम, कामयाबी बढ़ के चूमेगी कदम, फूल सा किरदार होना चाहिए, फूल सा किरदार होना चाहिए। इस गजल का ये एक शेर और मुलादा कर लें हजरत, जी जाता करें। हम तो बिक सकते हैं लेकिन शर्त है, क्या बात है, करेंगे जहां जान नसीब रखते हैं। हम तो बिक सकते हैं लेकिन शर्त है, मिस्र का बाजार होना चाहिए, क्या कहने क्या कहने, बाबा बाबा बाबा, मिस्र का बाजार होना चाहिए, मत्ता पेश करता हूँ याद दोबारा बारा लगे, ये बहुत शायर है भी सबको सुनना है। फिर रहा है दर बदर मजहर तेरा, फिर रहा है दर बदर मजहर तेरा, फिर रहा है दर बदर मजहर तेरा, अब तेरा दीदार होना चाहिए, वाह वाह वाह, क्या कहने मजहर साहब, वाह वाह वाह, क्या अच्छी शायरी हो रही है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जा नहीं रहा हूँ, सुनाऊंगा, इसीलिए आया हूँ भैया सुनाने के लिए। जी जी जी, सोता हूँ, बहुत बड़ी शख्सियत हमारे दर बदर मजहर तेरा सैयद सलाहुद्दीन साहब की, मैं सोचता हूँ कि कुछ शायरी भी सुना दूँ। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, उनके छोटे भाई मेराज मियां साहब भी तशरीफ रखते हैं। काफी दिनों के बाद मैं चाहता हूँ कि कुछ शेर सुना दूँ, मुलादा करें रात, एक बहुत छोटी बहन की गजल मैं पेश करता हूँ, जी अता करें, मुलादा कर लें, और इसकी फरमाइश भी है। जेब अगर तंग है, जेब अगर तंग है, जेब अगर तंग है, जेब अगर तंग है, कोई नहीं संग है, जेब अगर तंग, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। अब यहां से हजरात शेर सुन लीजिए। जी, जिंदगी गुजारना, जिंदगी गुजारना, जिंदगी गुजारना, जिंदगी गुजारना, जिंदगी गुजारना, जिंदगी से जंग है, जेब वाह 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 वाह, क्या कहें, कोई नहीं संग है, जेब अगर तंग है, जिंदगी से क्या गिला, जिंदगी से क्या गिला, जिंदगी से क्या गिला, जिंदगी से क्या गिला, ये कटी पतंग है, जेब अगर तंग, क्या बात है, क्या बात, कोई नहीं संग है, जेब अगर तंग है, क्या कहने क्या कहने। और इस गजल का बहुत अच्छा शेर आपकी अदालत में मैं पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ। जी जी,
इसलिए किया सलाम, इसलिए किया सलाम, इसलिए किया सलाम, इसलिए किया सलाम, इसलिए किया सलाम। आदमी दबंग है जेब लगा। वाह 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 वाह, क्या सच्चाई है, वाह वाह, अच्छा तंज है, वाह 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 वाह, क्या फिर पढ़िए, मुकरर पढ़िए, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, फिर जहमत करें, फिर जहमत करें, वाह वाह वाह। इसलिए किया सलाम, इसलिए किया सलाम, इसलिए किया सलाम, इसलिए किया सलाम। आदमी दबंग है जेब अगर। ये भैया जरा सीटी उटी कम बजाओ यार, जेब अगर। जी जी जी, पेश करता हूं। दरअसल माइक सीटी नहीं मार रहा है, वो दाद दे रहा है, आप समझ। जेब अगर तंग है, शेर पेश करता हूँ, जहाँ जहाँ तस्वीर रखते हैं। देख के खुद गर्जियां, देख के खुद गर्जियां, देख के खुद गर्जियां। अकल मेरी दंग है जेब अगर तंग है। क्या कहने, क्या कहने। दौलतों के बाद भी, दौलतों के बाद भी, दौलतों के बाद भी, दौलतों के बाद भी, दौलतों के बाद भी जिंदगी बेरंग। जलाल सिद्दीकी साहब के लिए एक शेर पढ़ता हूँ। जी जी, अता करें। छेड़छाड़ मत करो, छेड़छाड़ मत करो। ये जलाल साहब को आप देखिए, हमें ना देखिए, मैं शेर पेश करता हूँ। हाँ। छेड़छाड़ मत करो, छेड़छाड़ मत करो। क्या बात। छेड़छाड़ मत करो, छेड़छाड़ मत करो, शहर का मलंग है जेब अगर तंग। वाह 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 वाह, क्या अच्छा। कोई नहीं संग है जेब अगर तंग है। बहुत खेल राजनीति का, खेल राजनीति का, खेल राजनीति का, खेल राजनीति का, अपना अपना ढंग है जेब अगर। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। संग है, क्या कहें। मक्ता पेश करता हूँ हजरात। मजहर ऐसा क्या हुआ, मजहर ऐसा क्या हुआ, मजहर ऐसा क्या हुआ, मजहर ऐसा क्या हुआ, जोश है उमंग है। वाह वाह, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मजहर, मजहर जमाल साहब, जलाल सिद्दीकी साहब का हुक्म है, उनकी फरमाइश है कि ताजमहल वाला आपका कलाम सुनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जलाल सिद्दीकी साहब के हवाले से वो कलाम ये भोलेपुर की सामाइन भी समाप्त कर ले। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, आप एक मरतबा फिर जनाब मजहर जमाल साहब का पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें। देखिए हजरात, एक गजल के लिए हुक्म हुआ है, मैं वो हाजिर करता हूँ। गजल मतलब पेश करता हूँ, मुलादा कर ले। जी अता कर। ताजमहल तो हम भी देते,
ताजमहल तो, ताजमहल तो हम भी देते उसको यार निशानी में। क्या बात है, ताजमहल तो हम भी देते उसको यार निशानी में, उसको यार निशानी में, ताजमहल तो हम भी देते सारे सपने टूट गए बस, सारे सपने टूट गए बस, थोड़ी सी नादानी में। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत। अरे बहुत शोरा कराम है, वाह वाह। हम तो आपके घर के हैं, गांव के हैं यार, जब बुलाएंगे चले आएंगे हम। जी जी, जी। माना दरिया पार करोगे, माना दरिया पार करोगे, लेकिन इतना याद रहे। क्या बात है, माना दरिया पार करोगे, लेकिन इतना याद रहे। अच्छे अच्छे डूब गए हैं, अच्छे अच्छे डूब गए हैं घुटनों घुटनों पानी में। वाह 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 वाह, ताजमहल तो हम भी देते उसको यार निशानी में, उसको यार निशानी में। क्या कहने, वाह वाह, ताजमहल। अरे उसके चक्कर में क्यों पड़े हो भाई, बैठ जाइए। जी ताजमहल तो हम भी देते। और एक शेर ये सभी के लिए, नौजवानों के लिए बिलखसूस, बाकी आपके लिए भी। दिल पे अपने काबू रखना, दिल पे अपने काबू रखना कितना मुश्किल होता है। क्या बात, दिल पे अपने काबू रखना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है। प्यार तो हम भी कर बैठे थे लेकिन यार जवानी।